नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। नसरुल्लागंज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज के ग्राम सेमल पानी में कुछ दिन पहले हुई घटना को लेकर आज ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की। मामला पिछले दिनों क्षेत्र के सेमल पानी में अपहरण का है। ग्राम की ही 15 वर्षीय बालिका अपने घर में सो रही थी, तभी उसी ग्राम के 4 लड़कों ने बालिका का अपहरण कर बाइक पर बिठा कर ले गए थे और उसके साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी। यह बात किसी को न बताने का कह कर चले गए और फिर डरी सहमी लड़की ने यह पूरी बात अपने परिजनों को बताई और परिजनों ने नसरुल्लागंज थाने आकर मामला दर्ज करवाया, मगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर आक्रोशित समाज के लोगों ने नसरुल्लागंज थाने का घेराव कर कार्यवाही की मांग की। नसरुल्लागंज से फिरोज खान की रिपोर्ट है। तो शिवराज सिंह चौहान माने मुख्यमंत्री महोदय मामा कहलाने योग्य नहीं है। वो मंचों में जाकर के घोषणा करते हैं, बोलते हैं कि हम अपने भांजियों के भांजों की बहनों की जीजा की सभी की रक्षा करेंगे। आप अपने गृह क्षेत्र में अपनी एक भांजी की रक्षा नहीं कर पाए और वो परिवार पूरा जब पीड़ित परिवार थाने आया थाने में प्रकरण पंजीबद्ध करवाने के लिए, तो छोटी सी छेड़छाड़ का प्रकरण उनके ऊपर पंजीबद्ध किया गया, अगवा का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उस लड़की को, वो लड़की ने बताया कि कुछ एक महिला कांस्टेबल थी, उन्होंने हमको धमकाया कि आप बलात्कार के बारे में बोलोगे। द्वारा क्या कार्रवाई की गई, थाने का भी घेरा हुआ। यहाँ पर एक बच्ची थी जिसमें प्राथमिक रूप से थाने में ये रिपोर्ट की गई थी कि उसके साथ कुछ लोगों ने अपराध किया है। उस पर तत्काल कार्रवाई की गई थी, FIR भी दर्ज की गई थी और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद बच्ची और उसके परिजनों का इसमें ये कहना था कि कुछ और लोग भी उसमें शामिल थे और इस बात के संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। इस बात को लेकर के आज यहाँ लोग एकत्रित हुए और आज बच्ची के 164 के कथन कराए गए हैं। उस कथन में जो फैक्ट्स आए हैं उसके मुताबिक उसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो बच्ची के साथ अपराध हुआ है उसमें जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध पूरे साक्ष्य जुटा करके उनको सजा दिलवाई। सर, इसमें गिरफ्तारी भी हुई है आरोपियों? जी हाँ, इसमें अभी जो बच्ची के द्वारा बताए गए थे 2 लोग जो आइडेंटिफाइड थे, उन दोनों की गिरफ्तारी हुई। सर, नेपाल वाला भी कोई मामला संज्ञान में आ रहा है, सीहोर में कोई घटना हुई है? जी हाँ, आष्टा थाने के अंतर्गत ये घटना करीब 8-10 दिन पहले की है। इसमें एक नेपाल की बच्ची थी जो नाबालिग बच्ची थी, वो आष्टा के एक आरोपी महेश इसके संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक के माध्यम से संपर्क में थी 2 साल से। बाद में इसने इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको आष्टा बुलवाया था, लेकिन चाइल्ड केयर लाइन ने इसमें जानकारी हमें आष्टा थाने को दी सीहोर जिले को, जिसमें उस बच्ची को जब वहाँ आई तो उसको सकुशल बरामद कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि ये भारत और नेपाल के बीच का मामला था जी, तो बाद में नेपाल एम्बेसी से लोग आकर के उस बच्ची को ले गए। ठीक, थैंक यू।